दोस्तों, होम मिनिस्ट्री एनआरसी रिलेटेड एक गुड न्यूज लेकर आई है। बहुत ही अच्छी और खुशी की न्यूज है ये उन लोगों के लिए जिनका नाम 31 अगस्त 2019 में एनआरसी में नहीं आएगा। दोस्तों, वीडियो को 2 मिनट ध्यान से देख ले ताकि आप ये गुड न्यूज दूसरों के साथ भी शेयर कर सके। आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। हम लगातार ऐसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ट्रेंडिंग न्यूज, हर तरह के जरूरी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिल जाए। 20 अगस्त 2019 की द हिंदू में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार असम्स एनआरसी टाइम लिमिट टू अपील बिफोर फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स इंक्रीज टू 120 डेज। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मंगलवार को ये बताया कि अगर आपका नाम 31 अगस्त 2019 का एनआरसी में नहीं आया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बांग्लादेशी हो गए, क्योंकि आपको पूरा टाइम दिया जाएगा अपने आप को सिटीजन साबित करने का। एनआरसी किसी को फॉरेनर साबित नहीं कर सकती, ये पावर केवल फॉरेनर ट्रिब्यूनल के पास है। दोस्तों, खुशी की खबर यह है कि पहले लोगों के पास केवल 7 दिन यानी कि 60 डेज था अपील करने के लिए, और अब ये बढ़ाकर 120 दिन कर दिया जाएगा। और एक बड़ी खबर ये भी आया कि लोगों को लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा अपील के दौरान, ताकि लोग अपील टाइम पर कर सके। दोस्तों, ऐसे न्यूज और अपडेट्स के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।